बताओ भाई। अभी जाएंगे और हमें लाइक देंगे देखना। वेट अप गया। सो हाय गाइस, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन ग्रेजुएट गेमर। सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? बस लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस आगे ही बढ़िया रहे। सो गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी भाइयों, कैसे भाई लोग मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में याद से। तो गाइस कल मैं आपको प्रॉमिस करके गया था कि मैं फिर से ग्रैंड मास्टर में घुसूंगा, ठीक है। 7 दिन बीच में पुशिंग रुक गई थी, तो पूरी तगड़ी तरीके से पुशिंग करके 108 तक ले आया हूँ, ठीक है। मतलब हीरोइक 108 स्टार और 113 पे क्या है, ग्रैंड मास्टर, जिसको हमने पहले दिन ही टच कर लिया था। पहले दिन कर लिया था, टॉप 1 पे गया था, मतलब टॉप 1-2 तो अंडे दाई और मैं, वो बात अलग है। फिर गाइस पुशिंग छूट गई 7 दिन ट्रैवलिंग की वजह से और ये सब की वजह से, लेकिन गाइस फिर से ठीक है। यहाँ पे आप देखना उनमें से एक गेम है गाइस, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये गेम है हमारा 99 मतलब 99 वाला गेम है, 100 स्टार वाले इसके आगे वाला गेम था। ओके तो आप ये देख लो, मैं ये वाली वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, मतलब मैं 100 वाला या 108वां क्यों नहीं डाला, इस वाले को क्यों डाल रहा हूँ, इसमें देखना ठीक है। एक नेट से 3 बंदे डाउन किया, अपने 3 बंदे कम मरे पता नहीं चला। अब मेरे पे यूएसपी सिंपल, ठीक है, सिंपल यूएसपी मेरे हाथ में और इनको मेरा भरोसा नहीं था मैं इसको मार पाऊंगा, लेकिन भाई साहब पता नहीं कैसे वो बंदा मर गया और यहाँ पे क्वाड्रा निकल आई। मतलब सच में मैं मानो तो 99% उम्मीद छोड़ दिया था कि ये बंदा मरेगा, बस ये था कि एक गोली का बचाऊं, कोशिश कर लेता हूँ भाई। और भाई लग वो बंदा शायद नीड से डैमेज था, इन लोगों ने किसी ने डैमेज कर दिया था और वो राउंड निकल आया गाइस क्वाड्रा। तो इसी बात पे आप लोग एक लाइक कर दो गाइस, क्योंकि मैच ऐसा और इंटरेस्टिंग है आगे, तो एक लाइक अभी कर दो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप चैनल पर न्यू आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कल पक्का आपको ग्रैंड मास्टर की वीडियो दिख जाएगी, ठीक है। वैसे कल एक अलग वीडियो गाइस, थोड़ी सी अलग है वो गेम प्ले सेट के, उसको डालने की सोच रहा हूँ। वैसे आप सब्सक्राइब कर लो, दोनों दिख जाएंगे, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और गाइस ये बता रहा था मैं, ये देखो हार्ड अंश नाम का बंदा है, ठीक है। ये बंदा एक मतलब ये जो भाई है अपना एक कस्टम जीता था और मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जो भी कस्टम में अच्छा खेलता है जीतता है, तो उसमें से आया, ठीक है। मेरे प्लेयर नहीं थे ये पुश करने के लिए, मैंने इसको बुलाया और भाई बंदा क्या खेला ना, मतलब उसने इम्प्रेस कर दिया पहली बार में। शॉटगन जो चला रहा है वो डेथ हाई वाली, मतलब थोड़ा नटखट सा है भाई, लेकिन मतलब काम का है भाई, मतलब समझ रहे हो। वो मेरे से आ गए ये 2 पॉइंट, मेरी फ्रेंड लिस्ट में कुछ बंदे हैं मेरे से जो आ गए हैं, 3 बंदे हैं, तोंडे दाई सुबो और ये जो हार्डन्स है। मतलब कुछ सब्सक्राइबर निकलते हैं गाइस जो कुछ पहली बार में कुछ दिखा देते हैं, इंप्रेस करते, तो उनमें से एक बंदा ये, और ये आपको आगे भी खेलता हुआ दिखेगा ये हार्डन्स जो भी है। ओके भाई, ओके गाइस इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, ये चिढ़ा देता है सामने वाले बंदों का फिर वो मेरे से आगे कहते भाई। ओके गाइस तो यहाँ पे होल्डिंग चल रही है बहुत ही तगड़ी तगड़ी सी, ना तो सामने वाले आ रहे हैं ना हम जा रहे हैं। जस्ट मैं बोला कि लेफ्ट से रश कर दो और उन्होंने ऐसा ही किया, बट वो मेरे को पता था पहला नेट फेंकूंगा तो क्रोनो लग जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, क्रोनो लग गया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मतलब पहला नेट तो आप सोच लो कि ज्यादातर बार खराब जाना है। ओके वैसे ही फाइट ले रहे थे तो क्रोनो लगा लेंगे, लेकिन इससे पक्का एक ना एक डाउन होगा और ऐसा ही हुआ, 2 डाउन हुए तो अपन कर देंगे क्या रश। देखना यहाँ पे अभी मैं इसको हेड मारा, पता मेरे को क्या लगा ये किल मेरी आई है, लेकिन नहीं, लास्ट गोली पे और कोई ले गया उसकी किल। मतलब लॉन्डे कतई हैवी ड्राइवर हो रहे हैं भाई, एक एक गोली मार मार के किल ले जाते हैं। चलो गाइस कोई नहीं, तो यहाँ पे अपन 2 राउंड में कतई तहलका सा मचा के रखे हुए हैं। और गाइस मैं ये पूछ रहा था, मैं सोच रहा हूँ नाम चेंज करने का, सोच क्या रहा हूँ मैं करता ही हूँ, इस बार मैंने 6M नहीं रखा, मतलब अंदर से मनसा नहीं कर रहा, तो आप मेरे को कुछ अलग नाम बताओ, मतलब UGIUS 5M 6M नहीं, मतलब कुछ हटके अलग, समझ रहे हो। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ध्यान से बताना, जिसका बेस्ट लगेगा मैं उसको रख लूंगा, आपको कल की वीडियो में नेम चेंज मिलेगा। ओके गाइस चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी मेरी किल कितनी हो गई, किल विल तो छोड़ते हैं, इस गेम को जल्दी से भुइया निकालते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पे क्या बंदा था इस घर में, और मेरे पे 6 नेड है, मतलब 2 नेड कोई बंदा मेरे को दिया नहीं। ओके मैं भी यहाँ पे बीस्टन यूज कर रहा था, मेरा एक और टीममेट यहाँ पे नेड का काम कर रहा था। ओके तो अपन यहाँ पे पहला नेड फेंकेंगे, कुछ होगा क्या इससे, नहीं हुआ कुछ, बट क्रोनो भी नहीं लगा भाई, क्रोनो भी नहीं लगा, मतलब कोई नहीं था उधर। ओके ओके गाइस तो यहाँ पे 4v4 की गाइस पूरी पूरी सिचुएशन है, और मैं कितना कॉन्फिडेंस में आ गया, देख रहे हो अपना एक बंदा फूट गया लेकिन फिर भी खुले में घूम रहा हूँ। बट इस बंदे को यहाँ पे मैंने जाने दिया, उसने मेरे को इग्नोर कर दिया, मैंने भी इसको कर दिया भाई तू घूम ले। अब जो हेड पड़ा एक नंबर था भाई, तो इसकी जल्दी से किल फिनिश करते हैं। 3v3 हो गया है, उनके पास 2 बंदे, मेरे सामने 1 बंदा है। ओके तो मेरे को बस इस पर नजर बना के रखनी है और हेडशॉट गाइस। तो गाइस यहाँ पे अपन ने इस राउंड को भी निकाल लिया बहुत ही ओपी, तो 3-0 से आगे हो गए हैं, और हमेशा की तरह तुम्हारा भाई इस गेम का MVP है अभी तक।
मेरे को देखना पड़ेगा मेरे टीममेट्स की क्या हालचाल है अभी टीममेट का क्या हालचाल है देखना पड़ेगा गाइस। उससे पहले मैं क्या उठा लेता हूँ, 87 जब मिलती है तो मौका पाके मैं उठा लेता हूँ गाइस, वरना MP5 और 87। और ये वाली 87 एक नंबर चल रही है, वो बात अलग है कि दो शॉट बंदा मरता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मूवमेंट दिखा के मार सकते हो। एक तो छोटी सी है तो हाथ फिट हो जाती है, वो वन पंच मैन वाली मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन भाई वो हाथ में थोड़ी बड़ी सी लगती है। कभी ये चीज आपने नोटिस कीजिएगा या मेरे को ये बीमारी है, बताना मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी क्या सीन चल रहा है कि एक बंदा मेरे सामने भाग रहा है और उसने मेरे को नहीं देखा है। मैंने आप अरे भाई साहब नेट फेंका मेरे पे, मैंने उसे फेंक दिया भाई, उसने मेरे फेंका, मैंने उसे फेंका, वो डाउन, और इसको भी डैमेज जाएगा, 82 का डैमेज गया, बहुत ही ओपी। तो यहाँ पे वो बंदा ऊपर है, आधा अधूरा वेस्ट के साथ ऊपर गया है, क्या वो मेरे नेट से डाउन होगा, क्या डाउन होगा गाइस? नहीं लगता है डाउन होगा, वो लेफ्ट में आ गया। ओके, जैसा कि मैंने सोचा, मोको की आदत भाई, मोको मेरे दिमाग में चलती है, देख रहे हो, वहीं पे गया गाइस नेट और वहीं पे डाउन हो गया वो। तो अभी लास्ट बंदा बचा है, अपन मारने जाएगा इसको वन टैप। और यहाँ पे मेरे टीममेट क्या कह रहे थे पता है आपको, यहाँ पे लौंडे कह रहे थे, नटखट लौंडा क्या कह रहा था ये अपना अंश भाई, 11-12 साल का, ये क्या इस भाई जाएंगे और डाउन होके हमको लाइक देंगे, मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे भाई पे मतलब भरोसा नहीं कर रहा है और दे वन टैप। तो आपको कैसा लगा गेम प्ले मेरे को बताना, और मैं जैसा आपको बता दे 99 मतलब 99 वाला उसका ये गेम प्ले था। ओके, 108 पे 5 गेमर चाहिए, जस्ट 1 घंटे के अंदर भी मैं पहुंच जाऊंगा। और गाइस आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है, जो कि आपके हाथ में, मतलब हाथ में भी नहीं अंगूठे में, तो प्रेस कर देना लाइक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए गाइस, 7 मिलियन करने कंप्लीट। तो जल्दी जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये मत सोचना मैं जो 100 वाला गेम था वो क्यों नहीं दिखाया, आप देख लो 100 वाले गेम में भी तुम्हारा भाई MVP था, ठीक है, जस्ट उसमें कुछ मतलब अच्छा गेम वो भी था, उसमें कमबैक थी हमारी, लेकिन वो 2-0 से पीछे होने के बाद 4-3 तो किल ज़्यादा नहीं थी उसमें, ठीक है। तो मैंने आपको 99 वाला गेम दिखाया, ठीक है। चलो गाइस अभी मिलते हैं आपसे ग्रैंड मास्टर वाली वीडियो में, टिल देन गाइस बाय एंड टेक केयर।